एक जमाना था जब क्रिकेट में गेंद को उछालकर मारना असभ्य शॉट माना जाता था, लेकिन बदलाव तो एक नियम है जो अनवरत चलता रहता है। फिर क्रिकेट इससे अछूता कैसे रह पाता? समय के साथ दुनिया भर में ऐसे खिलाड़ियों का उदय हुआ जिन्होंने मैदानी शॉट देखकर बोर हो चुके दर्शकों को जोश से लबरेज करना शुरू कर दिया। दरअसल ये खिलाड़ी गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुँचाने का काम करने लगे और दर्शक भी क्रिकेट के इस नए अंदाज से उत्साह में झूमने लगे। पहले कुछ सालों में T20 क्रिकेट के आने के बाद से क्रिकेट में बल्लेबाज अक्सर बड़ी हिट देने की कोशिश करते हैं और इन बड़ी हिट्स के कारण कई बार गेंद बल्लेबाज के बल्ले से टकराकर इतनी दूर चली जाती है कि पता भी नहीं चलता है। कारण स्पष्ट है कि बल्लेबाज बड़ी हिट की मदद से दर्शकों को खुश करना चाहते हैं। यही कारण है कि मॉडर्न क्रिकेट में काफी बड़े लंबे छक्के देखने को मिलने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारे टीवी की क्रिकेट श्रृंखला की वीडियो। आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगाए गए 7 सबसे लंबे छक्कों से, जिन्हें जानकर आप काफी हैरान रह जाने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर हैं महेंद्र सिंह धोनी, जो भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। धोनी विश्व के महान कप्तानों में से एक हैं। धोनी के बाजुओं में गजब की शक्ति है। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने क्रिकेट की शुरुआत में लंबे लंबे छक्के लगाकर धमाल मचा दिया था। धोनी दुनिया भर में अपने हेलीकॉप्टर शॉट के लिए मशहूर हैं। ऐसा ही एक वाक्य हुआ साल 2009 में, जब भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर गई थी। इस सीरीज के एक मैच में धोनी ने 118 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया था। इसके बाद 6वें नंबर पर हैं ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज मार्क वा। मार्क वा वनडे मैचों में ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग किया करते थे और उन्हें उनके आक्रामक और अद्भुत शॉट्स के लिए जाना जाता था। मार्क ने साल 1997 में न्यूजीलैंड के खिलाफ डेनियल विटोरी की गेंद पर 120 मीटर लंबा छक्का लगाया था, जो दुनिया का 6ठा सबसे लंबा छक्का है। नंबर 5 पर काबिज हैं किंग युवराज सिंह, जो T20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के भी लगा चुके हैं। युवराज किसी समय टीम की जान हुआ करते थे। युवराज ने साल 2007 में ऑस्ट्रेलिया के तूफानी गेंदबाज ब्रेटली की गेंद पर 125 मीटर लंबा छक्का लगाया था। यह दुनिया का 5वां सबसे लंबा छक्का है। इसके बाद इस लिस्ट में 4 नंबर पर शामिल हैं न्यूजीलैंड के तूफानी ऑलराउंडर जैकब ओरम, जो अपने ऑलराउंडर खेल से विपक्षी टीम में खलबली मचा देते थे। ओरम को लंबे छक्के लगाने के लिए भी जाना जाता था। ओरम ने साल 2006 में ऑस्ट्रेलिया के माइकल क्लार्क की गेंद पर एक ऐसा छक्का लगाया था जो 130 मीटर दूर गिरा था। इस लिस्ट में 3रे नंबर पर जो नाम है वो आपको काफी चौंका देगा। अपनी तूफानी तेज गेंदबाजी से दुनिया भर के बल्लेबाजों के लिए दहशत का पर्याय बन चुके ऑस्ट्रेलिया के पेसर ब्रेटली ने साल 2005 में गाबा के मैदान पर वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज डेरन पावल की गेंद पर 135 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया था और ये छक्का आज दुनिया के सबसे लंबे छक्कों की लिस्ट में 3रे नंबर पर काबिज है। अब बात करते हैं इस लिस्ट के 2रे नंबर के बल्लेबाज की, जो है पाकिस्तान के तूफानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी दुनिया के विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक हैं। अफरीदी के बगैर यह लिस्ट अधूरी है। अफरीदी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए दुनिया भर में फेमस हैं। अफरीदी ने संन्यास से पहले बहुत सारे छक्के लगाए थे। अफरीदी दुनिया के सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में 2रे नंबर पर शामिल हैं। उन्होंने साल 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 158 मीटर लंबा छक्का लगाया था और सबसे लंबे छक्के लगाने वाले की लिस्ट में ये 2रे स्थान पर मौजूद हैं। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे लंबे छक्के की। आज के दौर में लंबे छक्के लगाना आम बात जरूर हो गया है, लेकिन दुनिया का सबसे लंबा छक्का जिस समय लगाया गया था उसे जानकर आप जरूर चौंक जाएंगे। दरअसल ये छक्का साल 1938 में लगाया गया था। 1938 में वेस्टइंडीज के खिलाफ इंग्लैंड के लिए खेलते हुए अल्बर्ट ट्राट ने इतना लंबा छक्का मारा था कि गेंद लॉर्ड्स क्रिकेट के ग्राउंड के पवेलियन को पार कर गई थी। 82 साल बाद भी किसी ने इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ा है, ये जानकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा। हालांकि उन दिनों छक्के की दूरी नापने के लिए कोई मशीन उपलब्ध नहीं थी, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक इस छक्के की लंबाई 164 मीटर थी। इसे क्रिकेट इतिहास का सबसे लंबा छक्का माना जाता है। आपको बता दें कि अल्बर्ट ट्रॉट 1938 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमों के लिए खेले थे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस और पुराने वीडियोस देखने को मिलते रहें। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।